जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ सोसाइटी के एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में जो इस तरह के रूट वाले सवाल आ जाते हैं, जिसमें दोस्तों रूट आ जाता है, उन्हें किस तरह से किया जाता है। देखिए, सिंपल सवाल जो पूछे जाते हैं वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन जिसमें रूट आ जाता है, जैसे कि रूट सिक्स, रूट थ्री, रूट टू, इस तरह की संख्याएं जिसमें आ जाती हैं, वो सवाल हमसे नहीं होता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने एक सवाल लिया है जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं सवाल को। लिखा गया कि 4√x² − 13x − 2√6 = 0। यहाँ पर इसका फैक्टर करना है, 0 के बराबर किया गया, इक्वेशन दी गई है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो दोस्तों संख्याएं दी गई होती है, जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है, यानी कि जो ऐसा टर्म जो कि दोस्तों अकेले होता है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका गुणा हम एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ ही में कर देते हैं। इस तरह से समझ सकते हैं। तो जो कॉन्स्टेंट टर्म होगा यानी कि जो अकेले होगा, उसका गुणा दोस्तों एक्स स्क्वायर के साथ ही में कर देंगे। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बाहर बाहर वाली संख्याओं का गुणा करना है। तो बाहर क्या है दोस्तों, −2√6, तो हम यहाँ लिखेंगे −2√6। बाकी आपको ये रफ की तरफ करना है, मतलब रफ पे कर सकते हैं। इसका गुणा हम एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट 4√6 में कर देंगे। तो देखिए प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा दोस्तों, 8 लिखेंगे और √6 का मल्टीप्लाई √6 में किया जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, रूट कट जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा −48। तो ये तो रहा हमारा पहला स्टेप कि बाहर बाहर वाली संख्याओं का गुणा करना है। अब दूसरा स्टेप दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कीजिएगा, जो नंबर गुणा करने के बाद आएगा उसे हम क्या करेंगे, उसका दो ऐसा फैक्टर करेंगे जिसे मल्टीप्लाई करने पर तो खुद आ जाए और जिसे जोड़ने पर यहाँ एक्स का कोफिशियंट यानी कि एक्स का साथ वाला आना चाहिए। तो देखिए संख्या क्या आई है, −48, तो ऐसा दो इसका फैक्टर किया जाएगा जिसे क्या मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर तो यही आ जाए और जिसे जोड़ने पर यहाँ −13 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं कि इसका फैक्टर हो जाएगा 16 और 3। तो आपको इसका फैक्टर करके दोस्तों बनाने का प्रयास करना है, हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा समय भी लगे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि 16 × 3 = 48 हो जाएगा और जब हम 3 में से माइनस करेंगे 16 को तो −13 आएगा। तो हमने इस तरह से कर लिया। अब काफी कंफ्यूजन हमें यहाँ होती है कि यहाँ दोस्तों कौन सा प्लस रहेगा कौन सा माइनस रहेगा। देखिए इसे ध्यान से देखिए, क्या यहाँ माइनस का 48 आना चाहिए, मतलब दो संख्याओं का गुणा करने पर माइनस आना चाहिए। तो दोस्तों ये तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक ऐसा माइनस होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि इसमें से माइनस क्या रहेगा। यहाँ देखिए −13 लाना है, जोड़ने पर −13 आना चाहिए। अब जब जोड़ने पर −13 आना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, जो बड़ी संख्या दोस्तों होगी नेगेटिव होगी, छोटी संख्या पॉजिटिव होगी। जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे, छोटे नंबर में से बड़े को घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 3 पॉजिटिव रहेगा और ये 16 दोस्तों नेगेटिव हो जाएगा। तो इतना समझा आपने, तो फैक्टर मिल चुका है, मतलब कुल मिला जुला कर इसे हम रफ कर देते हैं। आइए सवाल करते हैं। अब देखिए इसके प्लेस पे दोस्तों −13 के प्लेस पे हम यहाँ लिखेंगे 3 − 16। तो किस तरह से यहाँ लिखेंगे 4√6 x², यहाँ लिखेंगे +3x − 16x − 2√6 = 0। तो देखा आपने, इतना समझा। हमने क्या किया, हमने दोस्तों −13 के प्लेस पे फैक्टर हमने खोजा और इसके प्लेस पे इसे लिख दिया। तो इस तरह से इसे लिखने के बाद आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर काफी दिक्कत हमें ये आती है दोस्तों, कॉमन हम नहीं ले पाते हैं। तो ये देखिए मेन दिक्कत है रूट वाले सवालों में कि आखिर कॉमन क्या लिया जाए। आपको दोस्तों यहाँ ध्यान ये देना है, जैसे कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ 3 लिखा गया है, यहाँ पर रूट के अंदर 6 लिखा गया है और यहाँ लिखे देखिए 4√6 लिखा गया है। तो अगर आप सिर्फ √6 की बात की जाए तो √6 क्या होता है, इसे दोस्तों लिखा जा सकता है √2 × √3। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से √2 × √3। तो अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ √2 × √3 लिखा गया है, मतलब यहाँ से हम √3 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर भी √3 छुपा हुआ, क्यों, क्योंकि 3 लिखा गया है। 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3। रूट का जब गुणा कर देते हैं तो संख्याएं दोस्तों बराबर रहने के कारण रूट हट जाता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं, क्या यहाँ पर भी √3 है दोस्तों, यहाँ पर भी √3 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से √3 को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे √3 तो कॉमन है ही, साथ ही साथ यहाँ x भी कॉमन है, तो x को भी कॉमन करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, √3 हमने कॉमन किया, अब √6 यानी 4√6 में से √3 को कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने का मतलब यही होता है कि डिवाइड कर देना। देखिए यहाँ लिखेंगे 4√6 इस तरह से, यहाँ दोस्तों हम डिवाइड कर देंगे √3 से। तो देखिए यहाँ इसे लिखा जा सकता है, क्या 4 तो रहेगा ही, √6 का मतलब होता है दोस्तों √2 × √3 और नीचे क्या हो जाएगा √3। तो आप देख सकते हैं √3 से √3 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 4√2। तो इस तरह से आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 4√2 और यहाँ एक एक्स तो बचेगा ही प्लस। अब यहाँ देखिए 1 3 हमने मतलब √3 कॉमन ले लिया, अब यहाँ 1√3 बचता है, तो यहाँ लिख देंगे √3, इसे ब्रैकेट में कर देंगे दोस्तों बंद।
तो यहाँ तो हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ हम कॉमन देखिए, आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि जब कभी भी इस तरह के फैक्टर वाले सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें दोस्तों जो पहले वाले ब्रैकेट में आता है वही दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आता है। मतलब यहाँ कॉमन तो हम कुछ लेंगे ही, यहाँ आपको ब्रैकेट इस तरह से लगा देना है, जो पहले वाले ब्रैकेट में आएगा वही दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो हमें क्या लाना है, देखिए लास्ट में हमें रूट थ्री लाना है। यहाँ लिखा गया है 2√6, मतलब 2√6 को लिखा जा सकता है, 2 तो रहेगा ही, √6 का मतलब √2 × √3। हमें देखिए यहाँ क्या लाना है, यहाँ दोस्तों √3 लाना है। तो अगर हम 2√2 को कॉमन ले लेते हैं तो √3 बचेगा। तो ये चीज हम कर सकते हैं, क्या लेंगे कॉमन, 2√2 कॉमन ले लेंगे। तो जब 2√2 कॉमन लेंगे दोस्तों इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ 4√2, एक्स रहेगा यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया। अब 2√6 में 2√2 को कॉमन ले लिए, यहाँ √3 हो जाएगा, जीरो कर देंगे। तो देखा आपने, आप कॉमन इस तरह से ले सकते हैं, जरूरी ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि आपको यहाँ सोचना है जैसे कि सोचने कि कॉमन क्या लें। तो आपको यहाँ देखना यह है कि जो पहले वाले ब्रैकेट में आएगा वही दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आएगा। तो यहाँ देखिए दोनों ही कॉमन मिल रहा है, दोनों कॉमन ले लेंगे, 4√2 √2x प्लस √3, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे √3x माइनस 2√2 जीरो। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, बाकी आपको x का मान किस तरह से देखिए, यहाँ से जब x का मान निकालेंगे x इक्वल हो जाएगा −√3/4√2, और यहाँ दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आएगा x इक्वल √2/√3, यहाँ दोस्तों √3 रहेगा। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, एक एक्स की वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू −√3/4√2, और दूसरा आ जाएगा जब इसे बराबर करेंगे जीरो के तो एक्स इज इक्वल टू √2/3। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ रूट का गुणा भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अक्सर किताबों में नीचे रूट नहीं दिया गया होता, ऊपर दिया गया होता है, तो आप इसका गुणा कर लीजिएगा। तो देखिए जब इसका हम जो है √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जब दोस्तों कर देंगे तो ऊपर √6 आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा माइनस का −√6, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं √2 का ऊपर नीचे, उसी तरह से इसमें √3 का ऊपर नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 2√6/3, मतलब ये बन चुका है 2√6/3। तो दोनों ही उत्तर सही है, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। बाकी अगर ऑप्शन वाले सवाल पूछे जाते हैं तो दोस्तों आपको इस तरह से गुणा करके देख भी लेना है क्या सही आंसर होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से जो रूट वाले सवाल पूछ लिए जाते हैं, जो फैक्टर वाले सवाल आते हैं जिसमें एक्स का मान निकालना होता है, उसे किस तरह से करते हैं। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है दोस्तों, कॉमन लेने में अक्सर दिक्कत होती है, तो कॉमन अच्छी तरह से लीजिएगा, देख लीजिएगा जो पहले वाले ब्रैकेट में आएगा दूसरे वाले ब्रैकेट में भी वही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, एक सवाल हमने सिर्फ किया तो आपको इस सवाल से समझ में भी आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ।